नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं CGGS का पार्ट 26। इसमें हम छत्तीसगढ़ के लोक पर्व, मेला, कलेवा, आभूषण, इन सब पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 500 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा योगेंद्र साहू क्लासेस, वहाँ आपको पूरे सीरीज का PDF एक जगह प्रोवाइड हो जाएगा मात्र 30 रुपीज में। इसके साथ ही अगर आपको प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी बेहतर करनी है तो वहाँ प्रयोगशाला परिचारक के कोर्स और टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं, तो आप जाके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं ऐप में, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपके लिए एक और सूचना, अगर किसी को सिर्फ MCQ चाहिए वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ साइंस का, तो उसका भी एक और कोर्स लॉन्च किया गया है हमारी योगेंद्र साहू क्लासेस में, जिसकी प्राइस है मात्र 149। तो आप जाके इसे भी परचेस कर सकते हैं, इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको। MCQ भी है, इसके साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी। तो अब आते हैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस पे, ठीक है। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। सूची एक में मेले दिए हैं और ये कब आयोजित किए जाते हैं ये मेले, उसमें हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो राजिम का मेला कब लगता है? तो राजिम का मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, ठीक है। इसको माघी पुन्नी मेला भी बोलते हैं। माघ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? तो ये पूरा महाशिवरात्रि तक चलता है, ठीक है। महाशिवरात्रि तक इस मेले का आयोजन होता है, राजिम के मेले का, माघी पूर्णिमा से लेकर स्टार्ट कहाँ तक, लास्ट कहाँ तक, महाशिवरात्रि तक। अब महादेव घाट का मेला ये कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को, हाल फिलहाल में ये आयोजित किया गया था महादेव घाट का मेला। महादेव घाट कौन सी नदी के तट पर है? तो खारून नदी के तट पर है। वहाँ कौन से महादेव का मंदिर है? हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। क्योंकि ये अब महादेव के नाम भी पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब प्यून का एग्जाम हुआ था 2022 में, तो उसमें पूछा गया था कि महादेव घाट में जो महादेव का मंदिर है वो कौन सा, उसका नाम क्या है। तो हटकेश्वर महादेव, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि पीथमपुर में कलेश्वर महादेव, मलपताल में पतालेश्वर महादेव, मल्हार में, ऐसा करके ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब डभरा का मेला कब आयोजित होता है? तो वो होता है रामनवमी के दिन, ठीक है। तो रामनवमी के दिन डभरा का मेला, डोंगरगढ़ का मेला, भोरमदेव का मेला और खलारी का मेला, ये सब आयोजन होता है कब? रामनवमी में। अब बचा क्या सब? कुटी घाट का मेला का आयोजन होता है बसंत पंचमी में। कुटी घाट कहाँ है? तो कुटी घाट है जांजगीर चांपा में, ठीक है। राजिम आप सभी को पता है गरियाबंद जिले में है, महादेव घाट रायपुर में, और डभरा कहाँ है? डभरा पड़ेगा सक्ती जिले में। कुटी घाट कहाँ? जांजगीर चांपा। एक आभूषण जिसे छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है, यह शरीर के किस स्थान पर पहना जाता है? पैर में, या बाह में, या फिर कमर में, या फिर कान में। तो केयूर को कहाँ पहना जाता है? तो केयूर को पहना जाता है बाह में, ठीक है। केयूर को कहाँ पहना जाता है? बाह में। बाह में और कौन कौन सा पहना जाता है? नागमोरी, बहुटा, पहुंची, ठीक है, खग्गा, ये सब बाह में आभूषित होने वाले आभूषण है। कमर में क्या क्या पहना जाता है? तो कमर में करधन, करधनी, ये सब पहना जाता है। और क्या है? कान। तो कान में तरकी, लुरकी, ठीक है, लवंग फूल, खोटीला, एयरिंग, धार, ये सब कान में पहना जाता है। और ऑप्शन ए में क्या था? पैर। पैर में क्या क्या पहना जाता है? साटी, लच्छा, तोड़ा, ये सब पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं? गले में पहनने वाले आभूषण के बारे में पूछा गया है। ऐठी, नागमोरी, सुतिया, या फिर तरकी।
तो गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है सुतिया। गले में सुतिया के साथ साथ सुर्रा, कंठा, धमेल, दूलरी, तीलरी, ये सभी पहने जाते हैं। ठीक है, अब एठी। एठी कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, कलाई में। ठीक है, नागमोरी। तो नागमोरी पहना जाता है बाह में। इसका सेप ही थोड़े नाग के समान होता है, इसीलिए इसको नागमोरी कहते हैं। बाह में इसको पहना जाता है, नागमोरी को, एठी को, कलाई में। अब तरकी। तरकी कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? पपची के बारे में सही है। तो पपची के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन क्या दिया है? कि यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। तो बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल सही है, ये छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, ना कि नमकीन। ठीक है, इसका स्वाद कैसे रहता है? मीठा रहता है। दूसरा कथन क्या दिया है? यह गेहूं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गेहूं और चावल आटे और गुड़ से मिलकर बनता है क्या? पपची। यह रसदार व्यंजन है। तो ये कथन गलत है, ये रसदार नहीं होता, रसगुल्ला जैसे इसके अंदर चाशनी नहीं होता। ठीक है, मीठा तो रहता है लेकिन थोड़ा सूखा रहता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन क्या हो गया? सही हो गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? कौन से दिन? विजयदशमी के दिन। विजयदशमी मतलब क्या? दशहरे के दिन। बस्तर दशहरा बहुत ज्यादा फेमस है। ये दशहरा आम दशहरे के जैसे नहीं है कि इसमें रावण को मार रहे हैं, रावण का पुतला जला रहे हैं, ऐसा टाइप का दशहरा नहीं है। ये पूरे विश्व में सबसे लंबा चलने वाला दशहरा है, 75 दिन का इसका आयोजन होता है और अलग अलग दिन अलग अलग रस्म निभाई जाती है। तो विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? भीतरैनी, ओहाड़ी, मावली परघाव या दशहरा जात्रा। तो इसे जाना जाता है भीतरैनी के नाम से, विजय दशहरा के दिन। इस दिन 8 चक्कों वाले रथ को घुमाया जाता है, भीतरैनी के दिन, विजयदशमी के दिन। पूरे बस्तर दशहरा के आप लोग अगर मुख्य मुख्य रस्म को याद करें तो पाट जात्रा, देरी गराई, उसके बाद क्या, काछिन गादी, रैला पूजा, जोगी बिठाई। जोगी बिठाई के बाद होगा क्या यहाँ पे? जोगी बिठाई, पूरा रथ परिक्रमा होगा, निशा यात्रा होगा, उसके बाद जोगी उठाई होगा, जोगी उठाई के बाद भीतर रहनी, भीतर रहनी के बाद बाहर रहनी, बाहर रहनी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या, मुरिया दरबार, और फिर लास्ट में सभी देवी देवताओं की विदाई की जाती है, जिसको गंगा मुणा यात्रा भी के नाम से या ओहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सारे अब मुख्य रस्मों के नाम याद रखेंगे, इसके साथ ही उनकी क्या, उनमें क्या चीज़ विशेष है ये भी आप लोग याद रखेंगे। बस्तर दशहरा में जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? जोगी मिठाई एक रस्म होता है, मैंने बताया काछिन गादी के बाद क्या रहता है? जोगी मिठाई। तो जोगी मिठाई किसे कहा जाता है? मूर्तियों की स्थापना करना, रथ का ध्वजा स्थापना करना, पुजारी की नियुक्ति करना या मंदिर में कलश स्थापना। तो मंदिर में कलश स्थापना करना जोगी मिठाई। इसमें हलवा जो जनजाति है उसका, एक मनुष्य बिना अन्न जल त्याग किए पूरे 9 दिन तक साधना में बैठा रहता है। ठीक है, यही उसी को जोगी मिठाई परंपरा कहते हैं। इसमें 7 मांगुर मछली अर्पण करने की भी नियम है। बेटा जुतिया व्रत इनमें से किस विधि से संबंधित है? बेटा जुतिया हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो क्वार अष्टमी पितृपक्ष, भादो पंचमी शुक्ल पक्ष या श्रावण नवमी मास, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जुतिया ये कब मनाया जाता है? तो बेटा जुतिया क्वार के कृष्ण पक्ष के अष्टमी में। ठीक है, जब पितृपक्ष चलता रहता है जिसको हम लोग पितरपाक बोलते हैं, उसके अष्टमी के दिन बेटा जुतिया मनाया जाता है। जो माए रहती है वो अपने बेटे के मनोकामना के लिए, उसके आयु लंबी हो, इसके लिए क्या करते हैं? बेटा जुतिया का उपवास रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में गौरी गौरा विवाहोत्सव मनाते हैं? ठीक है, गौरी गौरा मतलब महादेव और पार्वती का विवाह कब मनाते हैं? तो तीजा, दशहरा, दीपावली या फिर होली। तो हमारे छत्तीसगढ़ में गौरी गौरा विवाह कब मनाते हैं? तो वो दीपावली के समय मनाते हैं। ठीक है, गौरा जो महादेव है, गौरी जो हमारी माता पार्वती है, इनका एक प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है और ये मुख्यतः गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नौवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर प्रेत का चित्र बनाया जाता है? दीपावली, मातर, गोवर्धन पूजा या फिर हरेली। तो
प्रेत का चिन्ह कब मनाया जाता है? तो ये हरेली में मनाया जाता है, ठीक है। और हरेली कब मनाया जाता है? तो ये श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। और इस दिन क्या क्या होता है? तो जो कृषि उपकरण रहते हैं किसानों के, उनकी पूजा, कुटकी देवी की पूजा की जाती है, गेड़ी का निर्माण किया जाता है, गेड़ी चढ़ा जाता है, ठीक है। और हरेली को छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार माना जाता है। कब इसका आयोजन? तो कब ये मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या को ये मनाया जाता है। और बाहर गोबर से प्रेत का चिन्ह बनाया जाता है, जिसको सवनाही भी कहा जाता है। मातर त्योहार कौन मनाते हैं? मातर त्योहार के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि उसमें किस देव की पूजा की जाती है, तो खोड़हर देव की पूजा की जाती है। तो कौन लोग मनाते हैं? कृषक लोग, यादव लोग, या राव जाति के लोग, या फिर मछुआरा, या फिर बुनकर। तो मातर त्योहार राव जाति के द्वारा, यादव समाज के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। जिस दिन भाई दूज का, भाई दूज रहता है, उसी दिन ये लोग क्या मनाते हैं? मातर त्यौहार मनाते हैं, और अपने जो देवता रहते हैं खोड़हर देव, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। फिर रंग बिरंगे परिधान में अपनी अपनी अपने अपने डंडे को सजा कर ये लोग निकलते हैं, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। गुंचा पर्व का संबंध किस भगवान की पूजा से है? शिव, दुर्गा, जगन्नाथ, या विष्णु? तो गुंचा पर्व ये रथ, बस्तर में रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा किससे संबंधित है? प्रभु जगन्नाथ से, ठीक है। तो किसकी पूजा से संबंधित है? प्रभु जगन्नाथ के, ठीक है। ये इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को, ठीक है, शुक्ल पक्ष द्वितीय को ये मनाया जाता है। कौन सा? गोंचा पर्व या फिर रथ यात्रा? किसकी पूजा की जाती है? प्रभु जगन्नाथ की पूजा की जाती है। संगीतकार रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, तबला, बांसुरी, या फिर सरोद? एक फेमस संगीतकार है कौन? रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है तबला से। किससे संबंधित है? तबला से। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ था? ठीक है, छत्तीसगढ़ में नाचा और जो गम्मत है, उसका प्रारंभ किस काल में हुआ था? मराठा, मुगल, अंग्रेज, या फिर चालुक्य? तो गम्मत और नाचा ये चालू हुआ था मराठा काल से, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र में चलता है तमाशा, वैसे ही आया हुआ है हमारे यहाँ क्या? गम्मत और नाचा। इसमें पुरुष जो है वो महिलाओं का वेशभूषा धारण करके ही क्या करते हैं? नाटक करते हैं। और इसके दो स्वरूप प्रचलित है, एक बड़े बैठे साज के और एक खड़े साज के। खड़े साज वाला ज्यादा आजकल प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? असत्य है मतलब गलत कौन सा कथन है, ये हमको क्या करना है? बताना है। इस नाटक में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं। नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है। नाचा को गम्मत भी कहा जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? तो पहला कथन तो सत्य है, पुरुष जो है वो महिला की भूमिका निभाते हैं। ये मैंने सामने वाले क्वेश्चन में भी बताया। नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है, ये कथन क्या है? गलत है, ये असत्य है। नाचा के आयोजन के लिए किसी तिथि विशेष की आवश्यकता नहीं होती, कभी भी आयोजित किया जा सकता है। और इसका आयोजन पूरी रात के लिए होता है और इसको गम्मत भी कहा जाता है। तो ये बाकी कथन सही है, केवल ऑप्शन बी क्या है? असत्य है, गलत है। आप सभी योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है टेस्ट दिलाने का। इससे आपको अपनी तैयारी पता चलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गाने के समय गाया जाता है? एक शुभ अवसर जो नवविवाहित दुल्हन की विदाई के समय होता है। गाना क्या है? दुल्हन की विदाई का एक अवसर है, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? खुद खुदवा, गौरा, या पठानी, या फिर दर। तो गाने के समय या विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको पठानी गीत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुधादित्य मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो हारमोनियम वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक, या तबला वादक? तबला के लिए तो कौन था? पंडित रेशमा पंडित जी थी। अब पंडित बुधादित्य मुखर्जी ये किसके लिए फेमस है? तो ये सितार वादक है, फेमस सितार वादक है, ठीक है। क्या बजाते थे? सितार वादक।
इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? ठीक है, मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रृंगार गीत या फिर धार्मिक गीत? आपको ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन डी क्या है? धार्मिक गीत। तो मंगरोहन गीत कैसा गीत है? तो मंगरोहन गीत संस्कार गीत है। कौन से संस्कार के समय ये गाया जाता है? तो ये गाया जाता है विवाह संस्कार के समय। विवाह के संस्कार के समय जब मंगल काष्ठ गड़ाया जाता है, जब लकड़ी गड़ाया जाता है, तो उस टाइम कौन से गीत गाते हैं? तो मंगरोहन गीत गाते हैं। ठीक है, जो लोग ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे वो लोग तो जानते ही होंगे ये सब गीतों के बारे में। ये जो लोग अच्छे से शादी अटेंड करते हैं हर रस्म, उनको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है श्रीमती तीजन बाई, बी है भारती बंधु, सी है देवदास बंजारे और ऑप्शन डी क्या है? श्रीमती ममता चंद्राकर। तो कबीर गायन के लिए कौन फेमस है? तो कबीर गायन के लिए फेमस है भारती बंधु। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारती बंधु को पद्मश्री किस वर्ष प्रदान किया गया था, या इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कि भारती बंधु को पद्मश्री कौन से वर्ष मिला था। अब तीजन बाई किससे संबंधित है? तो तीजन बाई का संबंध है पंडवानी गायन से। ठीक है, ये क्या है? पंडवानी कलाकार है। भारती बंधु कबीर गायन, देवदास बंजारे ये पंथी कलाकार। ठीक है, पंथी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया देवदास बंजारे जी ने। और श्रीमती ममता चंद्राकर ये एक लोक गायिका है। इसके साथ ही जो एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, उसकी अभी ये कुलपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह लगता है? ठीक है, बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह लगता है? तो पौष, माघ, भादो या फिर फाल्गुन? तो ये लगता है पौष माह में। ठीक है, पौष माह में लगता है बड़े भजन का रामनामी मेला। सारंगगढ़, पामगढ़, बिलाईगढ़, इन क्षेत्रों में लगता है जो रामनामी जो समाज है ये उनके द्वारा आयोजित किया जाता है 3 दिन का। ठीक है, तो रामनामी समाज ये राम भगवान करते हैं पूरे शरीर में राम नाम क्या कर लेते हैं, गोदना गुदवाए रहते हैं। और ये आज का अंतिम प्रश्न, गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार हर साल मनाया जाता है, या कौन सा महोत्सव हर साल मनाया जाता है? भगोरिया महोत्सव, चक्रधर महोत्सव, कजरी महोत्सव, राजीव लोचन महोत्सव। तो गणेश चतुर्थी के समय कौन सा महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में? तो चक्रधर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो रायगढ़ में किया जाता है। रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर महोत्सव का आयोजन गणेश चतुर्थी के दिन किया जा सकता है। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। और इसका शुरुआत हुआ था 1985 से। अभी 2023 में चक्रधर महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसका क्रम था 38वां। ठीक है, 38वां क्रम का चक्रधर महोत्सव आयोजित किया गया था। ये आप लोग करेंट से रिलेट करके याद रखेंगे, करेंट का पॉइंट है ये, करेंट अफेयर से चक्रधर महोत्सव का क्रम 38वां। कल मैंने राउत नाचा महोत्सव का क्रम बताया था कि इस बार जिस आयोजित हुआ था राउत नाचा महोत्सव, उसका क्रम क्या था? 46वां था। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसके साथ ही में आंसर भी देंगे कि भारती बंधु को पद्मश्री किस वर्ष मिला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।